क्या लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी बीजेपी ने भी आदिवासियों को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे पीछे मंच देख पा रहे हैं, आप देखिए, ये आपको हम जूम करके बता रहे हैं, तो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आदिवासी पगड़ी पहने तस्वीर है और लिखा है विशाल आदिवासी महाकुंभ। जी हाँ, ये चौंकाने वाला शब्द है, आदिवासी महाकुंभ। अब तक ये आरोप लगता आया था कि बीजेपी या उससे जुड़े हुए संगठन आदिवासियों को जनजाति या वनवासी बोलते आए हैं और ज़्यादातर संघ की पृष्ठभूमि में ये जनजाति शब्द का प्रयोग होता है। आज जो तमाम विज्ञापन छपे हैं उनमें भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसे जनजाति महाकुंभ लिखा है, लेकिन जब हमने यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर आदिवासी महाकुंभ का पोस्टर लगा था और इस कार्यक्रम को आदिवासी महाकुंभ कहा गया। तो क्या बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदला है? क्योंकि कई युवा इसलिए भी नाराज़ होते हैं बीजेपी पर कि वो आदिवासियों को जनजाति या वनवासी बोलते हैं, तो क्या इसके ज़रिए उन्होंने उनको साधने की कोशिश की है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की है? ये एक बड़ा सवाल है। सूत्र बताते हैं कि कल शाम को आदिवासी महाकुंभ लिखा जाए या जनजाति महाकुंभ, इसको लेकर दो धड़े बट गए थे और उनको लेकर मतभेद भी थे, लेकिन जब बात दिल्ली पूछी गई तो दिल्ली से कहा गया कि इसे आदिवासी महाकुंभ लिखा जाए। और अपने भाषण में भी आप देखिए, दोनों को संतुष्ट करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की। वो जब भी आदिवासियों का जिक्र करते थे तो कभी आदिवासी और कभी जनजाति, दोनों शब्दों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब 50 मिनट के भाषण में जिक्र किया। बार बार आदिवासी भी आया उनके मुँह पर और बार बार जनजाति भी आया। तो सवाल यही उठता है कि क्या अब बीजेपी धीरे धीरे जनजाति शब्द से आदिवासी शब्द की ओर शिफ्ट हो रही है? हालांकि ये एक अनुमान है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर मंच पे घटित हुई हमने देखी वो ये सोचने पे तो ज़रूर पर मजबूर करती है। और दिलचस्प बात यह है कि आज करीब 50,000 के आसपास की भीड़ यहाँ पर आदिवासी समुदाय की मौजूद थी, उनको संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आदिवासियों की बेहतरी के लिए वो काम करते हैं और करते रहेंगे, आदिवासियों का समग्र विकास उनका और उनकी सरकार का ध्येय है। तो ये संदेश था कि आदिवासी वोटर 2024 में नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के खेमे में आए, और एक बार जो उनका सपना है कि अब की बार बीजेपी 370 पार, इस तक वो पहुंच सकें। आपको बता दें कि 370 सीट का जो टारगेट है वो बीजेपी ने ऐसे ही नहीं दिया है, वो उसे हासिल कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन दरअसल इस 370 शब्द के जरिए बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध रही है। जब भी आप 370 के आंकड़े को याद करते हैं तो आपको कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से हटाई गई धारा 370 का आपको स्वतः ही स्मरण हो जाता है। और यही रणनीति है कि 370 का मीडिया में, जनमानस में, सोशल मीडिया में बार बार इस्तेमाल हो, जनमानस में भी चर्चाएं हो, चौराहों पर चर्चा हो, ताकि एक तीर से दो निशान हो, अंडर प्रेशर में विपक्ष आए और कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेताओं को बढ़े। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस परिवर्तन पर? कमेंट बॉक्स आपके लिए।